हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना की ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें आपको ना साबूदाना भिगोने का झंझट है और ना ही आलू को उबालने का। आप इसको झटपट से 15 से 20 मिनट में आप इसको बना के एंजॉय कर सकोगे और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। और आप इसको किसी भी चटनी के साथ या दही के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं साबूदाना के बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना लिया था, तो आप साबूदाना कोई भी ले सकते हो, आपके पास छोटा बड़ा जो भी अवेलेबल है वो। तो मैंने इसको धूप में थोड़ी देर सुखा के ले लिया है। आप इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो 1 मिनट के लिए, फिर आप यूज़ करना। अब हम इसको मिक्सी जार में डाल के फिर हम इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। हमें एकदम इसका फाइन पाउडर नहीं रेडी करना है, थोड़ा सा दरदरा इसका पाउडर करना है। अब इसको साइड में रख देते हैं और मैं यहाँ पे 1 कच्चा आलू ले रही हूँ। उसको छिलके निकाल के फिर अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। अब बड़े बड़े टुकड़ों में इसको काट के मिक्सी जार में डाल देंगे। और मैं यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ले रही हूँ। ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी भी पेस्ट हम रेडी कर लेंगे। अब मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम साबूदाना का जो मिक्सर रेडी किया था उसके साथ में ही डाल देंगे। और 1/2 कप में यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली का पाउडर ले रही हूँ। मूंगफली को रोस्ट करके उसके छिलके हटा के मैंने इसको पल्स मोड पे चला के इसका पाउडर रेडी कर लिया था, वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें मूंगफली के बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब सभी को मिक्स कर लेंगे और इसमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम इसको थोड़ा ऐसे ही मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने इसको पहले भिगोया नहीं था इसलिए। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश धनिया बारीक कट के डाल दूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल देंगे और मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना शुगर पाउडर डाल रही हूँ और 1/2 लेमन डाल देंगे। शुगर पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए 10-15 मिनट के बाद मिक्सर हमारा एकदम ड्राई होके फूल गया है। अब हम इसमें जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उतने हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। एक बार पहले इसे ही मिक्स कर लेते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को। और आप जब भी साबूदाना भिगोने भूल जाओगे तब इस तरह से आप बनाना, बहुत ही टेस्टी ये बनेगा और बहुत ही क्रिस्पी भी है और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो एक बार से ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। थोड़ा सा पानी हम 2-3 टेबल स्पून और डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे और ये मिश्रण हमारा बनके रेडी हो गया है। एक बार फिर से हम हाथों से इसे हम इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें से कटलेट्स जैसा या फिर आपको जो भी शेप पसंद है उसी हिसाब से हम इसके वड़े तैयार कर लेंगे। इस तरह से हाथ में थोड़ा सा हम इसका मिश्रण ले लेंगे और इस तरह से आपको जो भी शेप पसंद है वो शेप आप इसको दे सकते हो। स्क्वायर में दे सकते हो, राउंड में दे सकते हो, ऐसे ही गोल हम जैसा पकौड़े बनाते हैं वैसा भी आप इसका शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्वायर जैसा शेप दे रही हूँ। और इसी तरह से मैंने सारे साबूदाना के कटलेट्स रेडी कर लिए हैं और मैंने ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो हमें गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे और एक बार में जितना आएगा उतना हम साबूदाना वड़ा इसमें डाल देंगे इसी तरह से। और पहले अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में ही हमें इसको फ्राई करना है। कम ऑयल आया होगा तो फिर ये ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और फटने का भी चांस रहता है। तो अच्छे से पहले ऑयल गर्म करने के बाद ही इसमें डालना। फिर डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना और जब ये बबल्स कम हो जाए उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तब तक हमें इसको पलटना नहीं है, इसे इसको फ्राई होने के लिए रख देना है। और बबल्स इसमें कम हो गए हैं तो अब हम इसको पलट के जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हमें इसको फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। इसी तरह से हमें सारे साबूदाने वड़े फ्राई करके रेडी कर लेने हैं। और ये देखिए कितना अच्छा कलर भी इसका आ गया है। इसी तरह से हमें इसको पलटते रहना है और ये देखिए कितना अच्छा इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। और ये हमारे साबूदाना वड़ा
फ्राई होके रेडी हो गया है। इसी तरह से हम सारे वड़े फ्राई करके रेडी कर लेंगे और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को पहले हाई रखना है, फिर मीडियम करके आपको इसको फ्राई करना है। और ये देखिए कितना क्रिस्पी हमारा साबूदाना वड़का बना के रेडी हो गया है और ये झटपट बन के रेडी हो जाता है। हमें इसमें कोई भी झंझट नहीं करनी रहती है साबूदाना भिगोने का, ना ही आलू को उबालने का। और ये हमारे बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट साबूदाना वड़ा बनके रेडी हो गया है। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, दही के साथ एंजॉय कर सकते हो। और ये हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है।